Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Bibi. Happy birthday to you. God bless you. निखिल, गॉड ब्लेस यू, इनको खिलाइए विनीत, यस यस यस, बड़ा वाला खिलाओ ये विनीत, कम ऑन, दैट्स इट, थैंक यू सर, बस बस बस, अरे नहीं नहीं बोल नहीं करते, खाना पड़ेगा सर, सच बताओ ना, थैंक यू सर, अरे मैं रह गया सर, सर आप लोगों का अपना फोन देख के एहसास ही नहीं हो रहा कि मैं सीआईडी ब्यूरो में, ऐसा लग रहा है कि मैं अपना बर्थडे अपने परिवार वालों के साथ मना रहा हूँ। अरे परिवार वाले ही तो हैं हम तुम्हारे, वैसे देखा जाए तो हम एक साथ कितना वक्त गुजारते हैं, उतना वक्त तो हम अपने परिवार वालों के सदस्यों के साथ भी नहीं गुजारते है ना, बात तो है सर, फिर कितने साल के हो गए भाई, 28 साल का सर, क्या बात है सर, 28 साल का हो गया, ये उम्र शादी करने की है, हाँ ये बात है सर, ऐसी बात मत करो, जब तक दया सर और अभिजीत सर की शादी नहीं हो जाती ना, हम दोनों का तो शादी के बारे में सोचना भी पाप है, ये बात तो है, अगर दया और अभिजीत सर के भरोसे रहोगे ना तो जिंदगी भर कुंवारा ही रहना पड़ेगा, इसलिए कहता हूँ, समझ गए क्या, क्या क्या समझ गए हैं, क्या क्या मतलब क्या तुम लोगों का, हम लोग क्या शादी नहीं करेंगे क्या, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था सर, वो तारीखा है ना, चुप इधर उधर की बातें मत करो, विनीत का बर्थडे है और बर्थडे पे ही रहते हैं, हैप्पी बर्थडे, वैसे अभिजीत एक मिनट एक बात बताता हूँ, मैंने एक बहुत बड़ी गलती की, क्या हुआ सर, याद है मैं उस मैरिज ब्यूरो में काम कर रहा था, मैरिज ब्यूरो, हाँ हाँ, अच्छा वो चित्रोले साहब वाला केस, एग्जैक्टली वहां पर मैं डीसीपी चित्रोले साहब की शादी भी करवाने वाला था, सोच रहा हूँ कि उस वक्त तुम्हारी और दया की भी शादी करवानी चाहिए थी, बात है चित्रोले साहब के साथ तुम दोनों की भी शादी, आप क्या बात कर रहे हैं आप तो, अरे ये क्या मुझे बजा रहे, अरे बर्थडे दे रहे नहीं सर, बर्थडे सर, मुझे अभी इसी वक्त गिरफ्तार कर लीजिए, क्यों ऐसा क्या किया आपने, मैंने अपने पति राकेश का खून किया, मुझे अभी गिरफ्तार कर लीजिए सर, मैंने सचिन कुर्सी दो इसे, निकल पानी लो और बैठो, बैठे क्या नाम है तुम्हारा सब, राधिका, अच्छा राधिका अब शांत हो जाओ और बताओ क्या हुआ एग्जैक्टली, सब मेरे पति और मेरे बीच अक्सर झगड़े हुआ करते थे, उसे रोज शराब पीने की और मुझे मारने पीटने की आदत थी, वो शराब पी के मारता था वो तुम्हें, हाँ सर वो मुझे रोज मारता पीटता था, मैं तंग आ चुकी थी इसलिए मैंने आज उन्हें तलाक देने की धमकी दी, फिर पर उन्होंने हदें पार कर दी, इसलिए मजबूरी में आकर मैंने गन निकाल ली और उन पर गोली चला दी, फिर इससे पहले वो कुछ कर पाते पास में पड़ा फूलदान मैंने उनके सर पर मार दिया और वो जमीन पर गिर गए और ढेर हो गए, राधिका जी आप हम लोगों से कोई नरमी की उम्मीद तो नहीं कर रही है ना, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे मेरे किए की सजा मिलनी चाहिए, ठीक है देखो राधिका हम वो जगह देखना चाहेंगे जहाँ पर तुमने अपने पति का खून किया है, अभिजीत सुन फ्रेडी और विनीत को लेकर जाओ जरा इसके साथ, अंदर आइए, अंदर, ये रही राकेश की लाश, कहाँ, यहाँ तो कहीं भी लाश नजर नहीं आ रही, अभी 2 घंटे पहले तो यहाँ थी, कहाँ चली गई, लाशों के पैर नहीं होते राधिका जी, लाश छोड़ी यहाँ तो खून का एक डब्बा तक नहीं है, इस कमरे की हालत देखकर मैं खुद हैरान हूँ, आपके पास आने से पहले यहाँ जगह जगह सामान बिखरा पड़ा था, खून के धब्बे थे, यहाँ ठीक इसी जगह राकेश की लाश पड़ी थी, कहाँ चली गई, देखिए राधिका जी या तो आप बहुत अच्छी कहानी बना रही हैं
या फिर किसी ने राकेश की लाश ठिकाने लगा दी और फिर कमरे की साफ सफाई भी कर दी। ऐसा कौन करेगा? राकेश की लाश को कौन गायब करेगा? आपका कोई चाहने वाला जो आपको आपके पति के खून के जुर्म से बचाना चाहता हो? अगर ऐसा होता तो मैं खुद आपके पास चलकर क्यों आती? वो गन कहाँ है जिसे आपने अपने पति पे गोली चलाई? वो गोली चलाने के बाद गन मेरे हाथ से गिर गई थी, यही कहीं होगी। न लाश है, न हथियार, न ही खून के छींटे, और आप खुद हमारे पास चलकर आई थी ये बताने के लिए कि आपने अपने पति का खून किया है। पति को मारने जैसा घिनौना जुर्म किया है मैंने, मेरे लिए तो फांसी की सजा भी कम है। पर जुर्म साबित कहाँ से होगा राधिका जी? लाश कहाँ है? वो फूलदान कहाँ है? वो वहाँ पड़ा। यहाँ? तो आपने फूलदान वापस रख दिया? नहीं, मैंने नहीं रखा। ये जरूर उसी का काम है जिसने कमरे की सफाई की है। तो जो कोई भी है राधिका जी, उसके ऊपर आपको कानून से बचाने का जुनून सवार है। लाश गायब कर दी, खून के छींटे गायब कर दिए, हथियार गायब कर दिया, फूलदान अपनी जगह पे वापस रख दिया। कौन कौन कर सकता है ऐसा? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये कौन कर सकता है? कौन है वो? मुझे कुछ। राधिका जी, आप दोनों के अलावा और कौन कौन जानता है कि आप लोग इस फार्म हाउस में? मेरे अलावा और कोई नहीं। ज्यादातर लोगों को ये तक नहीं पता कि हमारा ऐसा कोई फार्म हाउस भी है। ठीक है, घर की अच्छी तरीके से तलाशी लो, शायद इनके पति की लाश कहीं मिल जाए। पानी क्या ऊपर से आए? कहीं वही तो नहीं है जिसने ये सब? वही होगा। आप लोग? तुम? हाँ। कौन है ये? ये हर्ष, राकेश के बिजनेस पार्टनर। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तो हर संडे यहाँ पर आता हूँ। इस बंगलो की डुप्लीकेट चाबी भी है मेरे पास। और इस बार आप यहाँ आए राकेश की लाश ठिकाने लगाने के लिए। राकेश की लाश? राकेश मर गया? हाँ, राकेश मर चुका है। नहीं, जरा अंदर जाके देखो, कुछ मिलता है क्या? देखिए, आपको वहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा। झूठ मत बोलो, लाश नीचे पड़ी थी, ऊपर आते समय तुम्हें दिखाई नहीं दी। राधिका, मैं सच बोल रहा हूँ, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। बल्कि मैं तो राकेश को फोन भी कर रहा था, उसका तो फोन भी बंद आ रहा है। सर, अंदर कुछ नहीं। देखा, अंदर कुछ नहीं मिला तो बाहर मिलेगा। हेलो डॉक्टर साड़ुंके, मिस्टर हर्ष, आप यहाँ पे आए कैसे थे? सर, मैं अपनी गाड़ी से आया। और गाड़ी कहाँ आपकी? सर, गाड़ी तो ड्राइवर वापस ले गया, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं राकेश के साथ कल वापस चला जाऊँ। राकेश की गाड़ी से चले जाएंगे? अरे, राकेश की कार यहाँ नहीं? क्या? क्या? गाड़ी नहीं है? ऐसे कैसे हो सकता है? अजीब बात है सर, जब मैं यहाँ फार्म हाउस से आपके पास आने के लिए निकली, तभी राकेश की गाड़ी यहीं पार्क थी, अचानक कहाँ चली गई? सर, मुझे तो लगता है जिसने भी राकेश की लाश छुपाई है उसी ने सबूत मिटाने की कोशिश की और राकेश की कार भी चुराई है। जिसने भी ये किया है बहुत जल्द उसका पता चल जाएगा। हाँ अभिजीत। अरे शाहरुख साहब, आइए आइए सर, वेलकम। सर अभिजीत, अगर अप्रैल फूल की तैयारी तुम दो हफ्ते पहले कर रहे हो ना, तो तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और साहब, मैं ड्यूटी और मजाक मिक्स नहीं करता। इनका कहना है कि इन्होंने अपने पति को यहाँ पे गोली मारी, इस जगह। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं। एक मिनट, अभी पता चल जाएगा। यहाँ पे ना, खून के धब्बे, मतलब यहाँ पे खून हुआ? अब तो आपको यकीन हो गया ना कि मैं जो भी कह रही थी सच कह रही थी। आपने गोली कौन से हाथ से चलाई थी, दाएं हाथ से या बाएं हाथ से? जी, वो दोनों हाथ से। नहीं नहीं, ट्रिगर कौन से हाथ से दबाया था? दाएं हाथ से। दाएं हाथ से, देख दीजिए अपना दाएं हाथ दीजिए। ये सही कह रही है भैया, ये देखो इसके दाएं हाथ की चमड़ी पर गन पाउडर के ट्रेसेस हैं। कितनी गोली मारी थी आपने राकेश को? जी, वो एक। और गोली कहाँ लगी थी उसे? यहाँ कंधे के पास। यहाँ पे गोली लगने से जरूरी नहीं कि आदमी मर जाए। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि राकेश मरा ही ना और खुद ब खुद उठकर गाड़ी चलाकर किसी अस्पताल चला गया, या फिर कोई उसे लेकर चला गया? मुझे तो ऐसा ही लगता है सर, जिसने भी ये सब किया है राधिका को ब्लैकमेल करने के इरादे से किया है। उसे लगा होगा कि राधिका खून करके भाग जाएगी,
मगर उसे ये पता नहीं था कि राधिका खुद हमारे पास आएगी अपने खून का जुर्म कबूल करने के लिए। राकेश की गाड़ी का नंबर क्या था? जीप LTX 8191P सफेद रंग की बैक्स्टर कार है। सफेद रंग की बैक्स्टर कार। यहाँ से शहर के रास्ते पे जितने भी टोल नाके हैं, पता करो ऐसी कार के बारे में और आसपास के हॉस्पिटल भी चेक करो। सभी अस्पताल देख लिए मगर राकेश का कहीं भी पता नहीं है। कोई बात नहीं, राकेश की कार मिल गई है, यहीं से शुरुआत करते हैं। ये देखो कार की पिछली सीट पे इतना सारा खून, मतलब कोई राकेश को यहाँ पिछली सीट पे डाल के लेके आया है। एक बात तो पक्की है सर, इस राकेश के साथ कोई ना कोई दूसरा आदमी जरूर था। कार यहाँ पे है तो यहीं कहीं होने चाहिए। वो लोग चेक करते हैं, उधर तालाब है उधर देखते हैं। ये देखिए घसीटने के निशान है। अगर राकेश को यहाँ पे घसीटते हुए ले जाया गया है तो इसका मतलब या तो वो बहुत बुरी तरह जख्मी है या फिर। लेकिन सर यहाँ पर किसी के पैरों के कोई निशान नहीं दिखाई दे रहे। घसीटने के निशान हैं मगर पैरों के निशान नहीं दिख रहे। ये पन्नी उठाना क्या? पन्नी के नीचे मिट्टी लगी हुई है। ये देखिए सर दूसरी प्लास्टिक की थैली। मुझे लगता है सर ये दोनों प्लास्टिक की थैलियां खूनी ने अपने पैरों में बांधी होगी ताकि पैरों की निशान ना बने। वाह प्रीति वाह, काफी दिनों के बाद कोई अकलमंदी की बात की है तुमने। थैंक यू सर। इधर घसीटने के निशान और सामने तालाब। सर कहीं ये राकेश इस तालाब में हो सकता है। गोताखोरों को बुलाओ, चेक करते हैं पूरा तालाब। छान मारिए। ओ हाँ उधर बीच में भी देखो, बीच में। क्या अरे सर इस CID की ड्यूटी में कब रात खत्म हो जाती है और कब दिन शुरू हो जाता है पता ही नहीं चलता है। एक काम करो, दो तीन दिन की छुट्टी ले लो, पिकनिक मना लो, मैं इसी भी साहब से बात कर लूं। अरे नहीं सर, वो तो मुझे हमेशा के लिए छुट्टी पे भेज देंगे। तो फिर ड्यूटी करो ड्यूटी। यस सर। लाश निकालो, लेके रहो। हाँ लेके आओ। लाओ संभाल के संभाल। रख दो संभाल के। ठीक थैंक यू, आप लोग चले जाए। थैंक यू वेरी मच। ये तो राकेश है। और ये गोली का निशान भी है छाती पे। ये देखिए सर, इसकी मुट्ठी में एक पेंडेंट था। पेंडेंट? अब ये पेंडेंट ही हमें राकेश के खूनी तक पहुंचाएगा। क्या राकेश की मौत गोली लगने से नहीं हुई? नहीं, राकेश की मौत गोली से नहीं हुई, जो राधिका ने उस पर चलाई। तो फिर क्या वजह है राकेश की मौत की? फानी, राकेश की मौत तालाब में डूबने की वजह से हुई। बॉस राकेश के फेफड़ों में हमें पानी मिला है। मतलब सारंगी तुम्हारे कहने का मतलब है कि इसे तालाब में डुबाने से पहले ये जिंदा था? बिल्कुल जिंदा था।
हम तो सोच रहे थे कि राधिका ने इसका खून किया और फिर किसी और ने इसे तालाब में डाल दिया। बस राधिका की चलाई हुई गोली राकेश के दिल से दूर लगी है, यहाँ पर। और अगर गोली यहाँ पर लगे तो मौत नहीं हो सकती। मतलब खूनी राधिका नहीं, कोई और है जो राधिका के बंगले से जाने के बाद वहाँ पे आया और उसने इस राकेश को मार डाला। हाँ, क्योंकि गाड़ी के स्टीयरिंग पे भी हमें राधिका की उंगलियों के निशान नहीं मिले। दया, इतनी भारी लाश को घसीट कर तालाब तक लेके जाना किसी अकेली लड़की का काम नहीं है ये। और फिर इस राकेश की मुट्ठी में एक पेंडेंट भी तो मिला है, वो पेंडेंट किसका हो सकता है? सवाल का जवाब राधिका ही दे सकती है। राधिका? क्या राकेश की मौत मेरी गोली चलाने से नहीं हुई? जी नहीं, उनकी मौत दम घुटने और पानी में डूबने से हुई है। कौन कर सकता है ये? वही तो पता लगाना है हमें कि किसने किया ये। ये पेंडेंट पहचानती हो इसे? ये पेंडेंट तो शीला का है। शीला? कौन शीला? शीला राकेश की छोटी बहन। लेकिन ये पेंडेंट आपको कहाँ से मिला? राकेश की लाश की मुट्ठी में से मिला। राकेश की लाश की मुट्ठी में से? लेकिन शीला राकेश की लाश के पास क्या कर रही थी? अब ये तो शीला ही बताएगी, आप हमें उसका एड्रेस दीजिए। जी, वो जमुना नगर में रहती है, लेकिन इस वक्त वो घर पर नहीं मिलेगी। ये तुम्हें कैसे पता? कहाँ गई है वो? क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ 9th हेवन रिसोर्ट गई है पिकनिक मनाने। नसीब वाले होते हैं जो पिकनिक मनाने जाते हैं। मैंने तो 2 साल से पिकनिक नहीं मनाई। मेरी पत्नी बोल बोल के थक गई कि मैं उसे कहीं पे लेके नहीं जाता, मगर मैं भी क्या करूं। कंट्रोल करो फ्रेडी, बस। 9th हेवन रिसोर्ट, शीला का फोटो दो। कितना शर्मनाक नजारा है ये। कौन? जिस उम्र में इन लड़के लड़कियों को अपना जीवन संवारना चाहिए, उस उम्र में ये ड्रग्स में अपनी जिंदगी धुएं में उड़ा रहे हैं। अरेस्ट कर रहे सर इनको? नहीं सचिन, अभी बिल्कुल अरेस्ट नहीं करेंगे। उनको पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग कौन है। देखो जरा चारों तरफ अच्छी तरह से, देखो कहीं शीला दिखती है क्या। सर, शीला तो कहीं दिख नहीं रही है। कौन है आप? सवाल ये नहीं है कि हम लोग कौन है, सवाल ये है कि तुमने इस लड़की को देखा है कहीं, पहचानते हो उसे? और अगर मैं जवाब ना दूं तो? तो ये बाकी के लोग तो जेल में जाएंगे ही, मगर तुम्हारी जेल में बहुत अच्छी खातिरदारी होगी। आप लोग कौन है? हम CID से। नहीं 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 मैडम, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे गिरफ्तार मत करना प्लीज। कहाँ पर है ये लड़की, बताओ जल्दी। अभी यहीं पर थी, अब पता नहीं कहाँ चली गई। इसी रिसोर्ट में ठहरी है? हाँ हाँ, इसी रिसोर्ट में ठहरी है। कमरा दिखाओ उसका जल्दी। कहाँ पर है ये? सर इस तरफ, ये रहा सर 109। शीला मैडम दरवाजा खोलिए। शीला जी दरवाजा खोलिए। सर लगता है सो रही है, ऐसा नशा करने के बाद में लोग अक्सर घंटों तक कुछ भी नहीं कर पाते। डुप्लीकेट चाबी है तुम्हारे पास? हाँ सर, रवि के पास होगी, वो रूम सर्विस करता है। बुलाओ उसे जल्दी। हाँ सर, आप यहीं पर खड़े रहिए, मैं अभी लाता हूँ। होशियारी नहीं है? नहीं सर। रवि यहाँ आओ जल्दी से। देखो 109 नंबर तुम्हें जल्दी से खोलना है, ठीक है? लेकिन इस रूम में तो शीला जी। चलो चलो जल्दी। सवाल मत पूछो, जल्दी से दरवाजा खोलो। सर ये तो मर चुकी है। बदन अब तो ठंडा नहीं पड़ा है, मतलब मौत कुछ ही देर पहले हुई है। सर लेकिन शीला जी ने आत्महत्या क्यों की होगी? पार्टी में इतने नशे में होने के बावजूद वो कितनी खुश लग रही थी सर। नशे की हालत में जो खुशी होती है ना, वो असली खुशी नहीं होती। असली खुशी और नशे की खुशी में जमीन आसमान का फर्क होता है। सचिन पार्टी बंद करो। श्रेया इस कमरे को अच्छी तरह से चेक करते हैं, देखो कोई सुसाइड नोट वगैरह मिलती है क्या।
गन। एक गोली कम है और इसी तरह की गोली से राकेश का खून हो गया था, इसी कैलिबर की गोली से। कहीं ऐसा तो नहीं कि राकेश का खून इसी गन से हुआ है? सर, सर एक मिनट। सर ये टूटा हुआ लैपटॉप मिला है। टूटा हुआ लैपटॉप? सर एक काम करो, इस लैपटॉप को अच्छी तरह से रिपेयर करवाओ, जरूर इसमें कोई ना कोई सुराग मिलेगा, कोई ऐसा सुराग जो इस केस को सुलझा दे। सर, अब ये लैपटॉप बिल्कुल ठीक है। सचिन देखो जरा। सर आप जा सकते हैं। थैंक्स। सर इस लैपटॉप में एक वीडियो है जो उस वक्त का है जब शीला की मौत हुई थी। देखते हैं। सर ये शीला काफी सहमी हुई सी लग रही है। हाँ सहमी हुई सी तो लग रही है, मगर ड्रग्स की नशे की वजह से। ड्रग्स की नशा ही है। बस अब इस बोझ के साथ मैं और नहीं जी सकती। खून किया है मैंने, जान ली है उसकी। कायल था मेरा भाई, उसे बचाने के बजाय मैंने उसे पानी में डुबो दिया। खुलते रखे मेरे हाथ मुझे ना ही सोने देते हैं और ना ही जागने। ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। पहले भाई का खून किया और फिर पछतावा हुआ तो आत्महत्या की। पर सर शीला अपने भाई को मारेगी क्यों? शीला अपने भाई को मारेगी क्यों, इसका जवाब तो अब राधिका ही देगी। आप लोग? हाँ हम लोग। राकेश की खूनी का पता चल गया तो सोचा तुम्हें आकर बता दे। राकेश की खूनी का पता चल गया? कौन है वो? उसकी बहन शीला। क्या शीला? शीला अपने भाई का खून क्यों करेगी? वही तो हम जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या जहर घुस गया था शीला के दिमाग में अपने भाई के खिलाफ जो उसने उसका खून ही कर दिया। मैं कुछ समझी नहीं। और अगर ऐसा है तो आप उसी से क्यों नहीं पूछ लेते कि उसने ऐसा किया क्यों? अगर शीला से पूछ सकते तो आपके पास नहीं आते। मतलब? देखिए शीला की मौत हो चुकी, उसने आत्महत्या कर ली। क्या शीला ने आत्महत्या कर ली? आप क्या कह रहे हैं? शीला का हमें लैपटॉप मिला, उसमें उसने बनाया हुआ एक वीडियो भी है जिसमें उसने खुद कहा है कि वो आत्महत्या करने वाली है और राकेश का खून भी उसी ने किया है। सब सर शीला को ड्रग्स लेने की आदत थी, नशे की हालत में अनाप शनाप बोल गई होगी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती। हो सकता है, लेकिन एक बात बताओ राधिका, क्या शीला और राकेश के बीच में किसी बात को लेकर कोई अनबन थी, कोई झगड़ा था? सर छोटे मोटे झगड़े भाई बहन में होते रहते। राकेश को शीला की ड्रग्स लेने की आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी। कई बार उसे डांटा, एक तो बार उस पर हाथ भी उठाया। सर इतनी सी छोटी बात के लिए वो ऐसा कदम उठाएगी, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। शीला अक्सर तुम्हारे दूसरे बंगले पर आया करती थी ना? हाँ सर, कई बार राकेश से मिलने आती थी। जब राकेश की मौत हुई तब भी शीला उस बंगले पर आई थी है ना? नहीं सर, उस दिन वो नहीं आई थी। अगर हमें पूरा यकीन है कि वो उस दिन भी वहाँ आई थी। मतलब? मतलब ये राधिका कि राकेश पर गोली चलाने के बाद जब तुम हमारे पास आई तब शीला वहाँ उस बंगले में पहुंची और उसने राकेश का खून किया बाथरूम में पानी में डुबो कर। लेकिन हमें लगता है कि उसके साथ कोई और भी था। सर कहीं वो विकी तो नहीं? विकी? विकी कौन है? सर विकी और शीला एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन विकी भी कोई अच्छा लड़का नहीं था। उसे भी शीला की तरह ड्रग्स लेने की आदत है। रहता कहाँ है विकी? मैं और राकेश एक बार विकी से मिलने गए थे, उसे समझाने कि वो शीला से दूर रहे। विकी रहता कहाँ है? P75 बसंत मार्ग विद्या चौक। P75 बसंत मार्ग विद्या चौक। विकी। म्यूजिक की आवाज आ रही है यहाँ से, लगता पार्टी चल रही है। सर शायद वही ड्रग्स वाली पार्टी होगी।
थोड़ा सबर नहीं है? कौन हो तुम लोग? कितना घंटी बजाते हो? विकी हो ना? जहां तक कौन है आप लोग? सबको अरेस्ट करो, सबको। चलो चलो, तुम भी आओ। चलो चलो चलो, कमान बता। शीला के साथ मिलकर तुमने राकेश का खून किया? क्यों किया राकेश का खून? मैंने किसी का खून नहीं किया सर, मैं किसी का खून क्यों करूंगा सर? 13 तारीख की रात को कहाँ थे तुम? म्यूजिक जंक्शन डिस्को, मैं वहाँ पे म्यूजिक बजाता हूँ, डीजे हूँ मैं। सर आपको अगर यकीन नहीं हो रहा तो आप फोन करके पूछ सकते हैं, मैं नंबर दूँ? चुप। शीला तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी ना? हाँ सर। 13 तारीख की रात को शीला राकेश के बंगले पर गई थी ना? गई थी ना सर, वो वहाँ पे गई थी, उसने वापस आके मुझे बताया जहाँ पे आपने रेड मारी थी। अच्छा, तो तुम थे वो? तुमने पूछा नहीं शीला को क्यों गई थी वो बंगले पर? पूछा था सर। फिर क्या कहा उसने? सर कुछ बोल ही नहीं पाई सर, वो बंगले का नाम सुनते ही उसके पसीने छूटने लगे, मुझे शक हो गया कि जरूर उसने कुछ गड़बड़ किया वहां पर। सर कुछ नहीं बोल पाई वो। पसीने तो अब तुम्हारे छूटेंगे बच्चो, चल। क्या पता चला? आपका अंदाजा बिल्कुल ठीक था बॉस, ये जो गन मिले ना आपको शीला के कमरे में से, गोली इसी गन से चलाई गई। गोली इसी गन से चली है? हाँ बॉस। तो क्या राकेश का खून शीला ने किया है? नहीं सर, राकेश को तालाब पे शीला भी नहीं लेकर गई थी, क्योंकि गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील पे शीला की उंगलियों के निशान भी नहीं है। ना राधिका ने किया है ना शीला ने किया है, तो फिर राकेश का खून किया किसने? और फिर शीला ने अपने लैपटॉप पर वो वीडियो क्यों बनाया जिसमें वो कह रही है कि राकेश का खून उसी ने किया है और अब वो आत्महत्या करने जा रही है, क्यों? बॉस आपको एक बात और बताता हूं। हाँ? शीला ने आत्महत्या नहीं की। क्या? शीला ने आत्महत्या नहीं की? नहीं, शीला का खून हुआ है। खून हुआ है? हाँ सर, शीला के खून में से हमें भारी मात्रा में ड्रग्स मिली है, जिससे ये पता चलता है कि जब उसे लटकाया गया था तब वो होश में नहीं थी। तभी तो बॉस शीला के गले पर छटपटाने के या तड़पने के कोई निशान नहीं, जो अक्सर लटकने के बाद गले पर आ जाते हैं। हो सकता है सर ये शीला और राकेश इन दोनों का खूनी कोई एक ही हो? हो सकता है, लेकिन ये जो कोई भी है ये खूनी या हमें उलझाने की कोशिश कर रहा है, कभी राकेश की मौत की पहेली बनाकर तो कभी शीला की मौत को आत्महत्या दिखाकर। और है कौन ये हर्ष? राकेश का बिजनेस पार्टनर या फिर कौन? कौन हो सकता है? सचिन वो शीला का वीडियो फिर से देखते हैं अच्छी तरह से, लगता है कोई ना कोई बात हमारी आंखों से छूट गई है, कोई अहम बात। लिखो सब। अब इस बोझ के साथ मैं और नहीं जी सकती, खून किया है मैंने। पोस्ट करो सब। देखो सब लोग ध्यान से देखो, पेंडेंट को देखो, कोई दिख रहा है सचिन? हाँ सर, शीला के पेंडेंट के शीशे में किसी आदमी का चेहरा दिखाई दे रहा है सर। एग्जैक्टली। निखिल पेंडेंट पर जूम करो, देखे तो सही क्या पता चलता है उस आदमी के बारे में। मतलब सर ये कोई और ही चक्कर है। बस कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आदमी ने शीला पर दबाव डाला था कन्फेस करने के लिए? फिर इसने ये हैट और गॉगल्स भी पहना हुआ है। हैट और गॉगल्स भी डाले हैं, इसका मतलब है सचिन जरूर ये आदमी अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा है। मतलब सर इसकी दाढ़ी और मूंछ नकली है? हाँ फ्रेडी, बिल्कुल दाढ़ी और मूंछें भी नकली है। एक काम करते हैं, इस 9th Heaven रिसोर्ट में जाकर फिर से देखते हैं। 9th Heaven रिसोर्ट। उस ड्रग्स वाली पार्टी पे रेड पड़ने के बाद से ये रिसोर्ट एकदम सुना सुना लग रहा है सर। सचिन मगर कोई ना कोई तो जरूर होगा यहाँ पर, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। अरे सर आप फिर से यहाँ पर? लेकिन अब तो यहाँ पर सब कुछ खत्म हो चुका है। हाँ लेकिन केस अभी खत्म नहीं हुआ है। ये फोटो ध्यान से देखो, पेंडेंट के शीशे में जो आदमी दिखाई दे रहा है उसे पहचानते हो तुम लोग? ये आदमी तो ये तो क्या पहचानते हो इसे? जब शीला की मौत हुई क्या तब ये आदमी वहाँ पे था? हाँ सर आया तो था ये, लेकिन सर ये रिसोर्ट में नहीं रुका था,
ये कहीं बाहर से आया था किसी को मिलने के लिए। किसी को मिलने के लिए? किससे? किससे मिलने आया था? क्या शीला से मिलने आया था? सर ये तो पता नहीं, लेकिन ये उसी दिशा में गया था जिस दिशा में शीला जी का कमरा था। शायद उन्हीं से मिलने आया होगा। कितनी देर रहा ये रिसोर्ट में? ज्यादा देर तक नहीं था मैडम, दोपहर 1 बजे के करीब आया था और 2:15 के करीब निकल गया था यहाँ से। तो लगभग 1-1.5 घंटा यहाँ पर था वो। तो फिर कोई भी अपराधी जुर्म करने के बाद उसी जगह पर क्यों ठहरेगा? वो भाग ही जाएगा। तुम यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड हो ना? हाँ साहब। ये आदमी जो बाहर ठहरा था लेकिन यह रिसोर्ट में आया था दोपहर को, ये कैसे आया था? क्या अपनी गाड़ी से आया था या किसी और के साथ या किसी और गाड़ी से आया था? टैक्सी से आया था साहब, वो आलिशान एयर कंडीशन टैक्सी होती है ना। हाँ उससे। हमारा मतलब पूल क्या? हाँ साहब वही। तुमने गाड़ी का नंबर नोटिस किया, कुछ याद है तुम्हें? साहब नंबर तो याद नहीं है, लेकिन उस पर कुछ अंग्रेजी में लिखा हुआ था साहब। क्या क्या लिखा था अंग्रेजी में बताओ जरा। वो साहब ऑन टाइम करके कुछ लिखा हुआ था। ऑन टाइम? ऑन टाइम ये ऑन टाइम तो नहीं, ऑन टाइम कूल कैब्स। ऑन टाइम कूल कैब? हाँ साहब वही, ऑन टाइम लिखा हुआ था। ऑन टाइम कूल कैब्स, ऑन टाइम कूल कैब। सचिन काम करो, ऑन टाइम कूल कैब में से पता लगाओ कि 2 दिन पहले दोपहर के 1 बजे कौन आया था उनकी टैक्सी लेकर, उनकी कूल कैब लेकर। सर रहने वाले सभी को मैं जानता हूँ साहब, इनको पहली बार देख रहा हूँ मैं। हो सकता है इनकी दाढ़ी मूछे नकली हो? अगर साहब इनकी दाढ़ी मूछ नहीं होती तो बता देता मैं। अच्छा चलो श्रेया, फोटो से दाढ़ी और मूछ हटा के दिखाओ इन्हें। सर अब देखिए, नहीं साहब समझ में नहीं आ रहा है। नहीं श्रेया, जरा वो हैट और गॉगल्स हटा के दिखाओ। अब अरे साहब ये तो अशोक साहब जैसा दिख रहे हैं। अशोक साहब, इन्हीं से तो मिलना हमें, आप कहाँ रहते हैं? साहब ये तो 603 नंबर में रहते हैं। अभी है? नहीं साहब अभी वो निकल के गए, 15 मिनट हुआ साहब। निकल गए? कहाँ गए? पता नहीं साहब कहाँ गए, पर बहुत हड़बड़ी में थे और इसी तरफ निकल कर गए। कैसे गए? पैदल गए या उनकी गाड़ी है क्या? साहब वो ऑन टाइम वाली टैक्सी होती है ना, उस पे गए साहब। ऑन टाइम टैक्सी से गए वो? हाँ साहब। ऑन टाइम टैक्सी वाले को फोन करके पता लगाते हैं इस बार ये अशोक गया कहाँ है। चल लेट्स गो। तेज चलिए यार। जी सर। जी मैं उसी अशोक की बात कर रही हूँ जो रुक्मणी अपार्टमेंट्स में रहता है। वो टैक्सी लेकर किस तरफ गया है? ज्योति रोड की तरफ। उस टैक्सी ड्राइवर का नंबर मिल सकता है मुझे? हाँ बताइए। 101-903-456। ठीक है, थैंक यू। सचिन ज्योति नगर रोड की तरफ ले लो और श्रेया टैक्सी वाले को फोन लगाओ और मुझसे बात करवाओ। सर उसका फोन नहीं लग रहा है। फिर से कोशिश करो। हेलो, मेरी बात ध्यान से सुनो और मैं जो भी पूछूंगा उसका जवाब सिर्फ हाँ या ना में देना, समझे? और कुछ नहीं। मगर मैं एसीपी प्रद्युमन सीआईडी से बोल रहा हूँ। अब ये बताओ तुम्हारे टैक्सी में कोई पैसेंजर बैठा है ना? हाँ। उसे तुम ज्योति नगर रोड की तरफ ले जा रहे हो? हाँ। अब बात ध्यान से सुनना, जैसे ही तुम्हारी टैक्सी विद्युत नगर टेलीफोन एक्सचेंज के वहाँ पहुँचेगी, वहाँ पर तुम्हारी गाड़ी खराब होने का बहाना बनाकर गाड़ी खड़ी कर देना रोड के साइड में, ठीक है? हाँ। बस हम लोग वहीं पहुंच जाएंगे 10 मिनट के अंदर। हाँ। गुड। कितना बात करेगा यार, तेज चलना, जल्दी पहुंचना मेरे को। चल रहा हूँ सर, चल रहा हूँ। बोरी टैक्सी, ये ड्राइवर बाहर क्यों खड़ा? पैसेंजर अशोक कहाँ है वो? सर
साहब वो तो चला गया। चले गया मतलब तुमने रोका नहीं उसे? साहब मैंने कहा था 5 मिनट लगेंगे गाड़ी ठीक होने में, पर अचानक उनके मोबाइल पर किसी का फोन आया और वो दूसरी टैक्सी पकड़ कर चले गए। दूसरी टैक्सी पकड़ के चला गया? फोन आया था उसे? जी साहब। तो पता चला, तुमने कुछ सुना कहाँ जा रहा है वो? साहब वो टैक्सी वाले से कुछ क्रांति नगर जाने के लिए कह रहे थे। क्रांति नगर? तुमने टैक्सी का नंबर नोट किया? हाँ साहब लिया ना, ये लीजिए। गुड, अभिजीत को जल्दी इन्फॉर्म करो, ये अशोक हमारे हाथ से निकलना नहीं चाहिए। ये जगह तो जानी पहचानी लग रही है ना? हाँ सर, ये तो वही जगह है जहाँ पे राकेश का बंगला है। आगे बाई तरफ उसका बंगला आने वाला। और ए टैक्सी। सुनो, ये जो अभी सवारी लेकर आए थे कहाँ गई वो? वो सब अभी भी अंदर गए। अंदर गई है? जी। ओके, अंदर है। राकेश के घर में अशोक, ये क्या कर रही है तुम मुझे मारना चाहती हो? यहाँ तो लड़ाई झगड़ा हो रहा है। मुझे मारना चाहती हो? हटा हटा। घर नीचे। आप लोग यहाँ पर? बहुत शौक था तुम लोगों को सीआईडी के साथ खेल खेलने का, है? बाकी का खेल अब जेल में। अशोक मेरे पहले पति है, हमारी शादी कभी खुशहाल नहीं थी, ये कुछ कमाते नहीं थे और मेरी सारी तनख्वाह जुए और शराब में उड़ाते थे। और इसीलिए तुमने अशोक से तलाक लिया और राकेश के साथ शादी की है ना? नहीं, तलाक ये चाहती थी, मैंने तलाक के कागजात पर दस्तखत नहीं किए। और इसी बात का फायदा उठाकर ये मुझे धमकी देने लगे कि अगर मैंने हर महीने इसे पैसे नहीं दिए तो ये सब कुछ राकेश को बता देंगे। पर राकेश ने राधिका के नाम कुछ नहीं किया था, सारी दौलत सारा पैसा उसी के नाम पर था। तो तुम दोनों ने मिलकर प्लान बनाया, राकेश को मारने का प्लान। हाँ, मैं राकेश के साथ भी ज्यादा खुश नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा कि राकेश के पैसों से मैं अशोक से भी छुटकारा पा लूंगी और मैं अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर पाऊंगी। वाह वाह, और फिर तुम पहुँच गयी क्रांति नगर राकेश के बंगले पर राकेश को मारने के लिए। मुझे तुम पर गुस्सा नहीं आ रहा है, मुझे तो गुस्सा अपने आप पर आ रहा है कि मैंने जिंदगी में पहली बार इंसान पहचाने में इतनी बड़ी गलती कर ली। पर अब तो सच्चाई का पता चल गया ना, तुमसे पहले मेरी शादी अशोक के साथ हुई थी और अब तक मेरा और अशोक का डिवोर्स नहीं हुआ है। हाँ, इसी वजह से आज के बाद तुम्हारा मेरी दौलत पर कोई अधिकार नहीं रहेगा, ना ही मेरी प्रॉपर्टी पर, और आज के बाद तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता भी नहीं रहेगा, समझी तुम? सच कहा तुमने, आज के बाद हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं रहेगा, क्योंकि रिश्ता जिंदा लोग निभाते हैं, मुर्दे नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? ये क्या कर रही हो तुम? पैसों के लिए तुम इतना गिर सकती हो, ये कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। सच अक्सर सपनों से ज्यादा कड़वा होता है। राधिका, गोली चल जाएगी राधिका। गन? अभी ये क्या किया आपने? भैया पे गोली चला दी। शीला, मैं राकेश को मारना नहीं चाहती थी, लेकिन तुम अपने भाई को जानती हो, छोटी छोटी बातों को लेकर हाथापाई पर उतर आते, खुद को बचाने के लिए मुझसे गोली चल गई। शीला, ऐसे कैसे गोली चला दी आपने? शीला प्लीज समझने की कोशिश करो, अगर मैं राकेश पर गोली नहीं चलाती तो वो मुझे मार डालता। तुम चिंता मत करो, मैं एम्बुलेंस को फोन करती हूँ। शीला, मैं कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं होगा। हेलो एम्बुलेंस? हाँ, क्रांति नगर आ जाइए, बंगलो नंबर 35। कुछ नहीं होगा भैया। शीला उठो, तुम्हारे भाई को कुछ नहीं हुआ,
लेकिन इस वक्त तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि अगर तुम यहाँ से नहीं गई और एम्बुलेंस वालों ने तुम्हें इस हालत में देख लिया, ड्रग्स के नशे में देख लिया, तो वो तुम्हें जेल में डाल देंगे। प्लीज जाओ यहाँ से। नहीं, मैं जेल नहीं जाना चाहती, वहाँ मुझे ड्रग्स नहीं मिलेंगे। इसलिए तो मैं तुमसे कह रही हूँ कि प्लीज प्लीज इस वक्त यहाँ से जाओ, भागो यहाँ से, जाओ यहाँ से। उनको कुछ नहीं होगा, मैं उन्हें संभालूंगी, जाओ यहाँ से, भागो। ये क्या किया तुमने? उसे जाने क्यों दिया? तो क्या करती? एक की बजाय दो दो खून कर देती? तो क्या फर्क पड़ता अगर एक की जगह दो खून हो जाते? अगर वो शीला सीआईडी तक पहुंच गई तो? वो सीआईडी तक पहुंचने से पहले मैं खुद सीआईडी के पास चली जाऊंगी। मैंने सोचा था कि मैं सारा इल्जाम हर्ष पे डाल दूंगी, लेकिन शीला ने वहां आकर जमा जमाया खेल बिगाड़ दिया। इसलिए तुम लोगों ने एक और प्लान बनाया, अशोक को भेज दिया राकेश को पानी में डुबोने के लिए। तुम चली आई सीआईडी के पास क्योंकि तुम ये जानती थी कि सीआईडी पता लगा लेगी राकेश की मौत गोली लगने से नहीं पानी में डूबने से हुई है, और बेचारी शीला फंस जाएगी। मगर अफसोस, सच्चाई सामने आ ही गई। राकेश को मारने के बाद मैंने उसके हाथ में शीला का पेंडेंट रख दिया ताकि आप लोगों को यकीन हो जाए कि राकेश का खून उसकी बहन ने किया है। जब सारे सबूत शीला की तरफ इशारा कर ही रहे थे तो फिर तुम्हें शीला को मारने की क्या जरूरत पड़ गई? तुमने जो कहा था मैंने कर दिया, अब गोली मत चलाना प्लीज। शाबाश, अब तुम गहरी नींद में सो चुकी हो। तुम कब मौत के आगोश में चली जाओगी पता भी नहीं चलेगा। मैं तो यही चाहता था कि शीला के मरने के बाद सारा पैसा राधिका को मिले, और राधिका से मुझे ज्यादा पैसे की चाह रखना गलत बात है क्या? ज्यादा पैसे की चाह रखना गलत नहीं है, लेकिन पैसे कमाने का तरीका गलत नहीं होना चाहिए, समझे? और जब तुम्हारा प्लान पूरा हो गया तो तुमने सोचा कि अशोक को भी खत्म कर डालो, हाँ? हाँ, मुझे पता था कि पैसों की लालच में ये एक दिन मुझे मार दे। इससे पहले कि ये मुझे मार दे, मैं ही इसे मार देती हूँ। लेकिन इससे पहले कि तुम अशोक को मारती, हमने तुम्हें रोक लिया। लालच, ये पैसों की लालच है ना, अच्छे अच्छे इंसान को शैतान बना देती है। अब जेल में सड़ते बैठना दोनों भी, फांसी का ऑर्डर आने तक।